नमस्कार आज की परिचर्चा विज्ञापन एवं जनसंपर्क में आपका स्वागत है इस विषय के अंतर्गत हम विज्ञापन की परिभाषा उद्देश्य माध्यम प्रकार और बाह्य यानी आउटडोर माध्यम पर चर्चा करेंगे मैं हूं चंद्रदेव यादव और हमारे विषय विशे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजीव रंजन जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के विदेशी भाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं डॉ राजीव रंजन कई वर्षों से हिंदी साहित्य से संबंधित विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं इस प्रकरण में आज जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी वे हैं विज्ञापन की परिभाषा उद्देश्य और उपादेयता। विज्ञापन के माध्यम समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो टेलीविजन इंटरनेट विज्ञापन के प्रकार वाणिज्यिक सामाजिक सांस्थानिक एवं वित्तीय विज्ञापन के बाह्य माध्यम सबसे पहले विज्ञापन की परिभाषा पर विचार करते हैं विज्ञापन की परिभाषा विज्ञापन का हमारे जीवन और समाज से पुराना संबंध है पहले ढोल और घंटा बजाकर लोगों को सूचना दी जाती थी तब मुनादियां कराई जाती थी और अब संचार के विभिन्न माध्यमों से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है वस्तुतः विज्ञापन प्रचार के माध्यम है तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच टिके रहना और खुद को मजबूत रखना किसी भी व्यापारिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए एक चुनौती है ऐसी स्थिति में अपने उत्पादों का ब्रांड के रूप में प्रचार एक अपरिहार्य जरूरत है सभी संस्थान व्यापारिक प्रतिष्ठान औद्योगिक या सामुदायिक संगठन को अपने उत्पाद या मान्यताओं को प्रचारित करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेते हैं इसलिए विज्ञापन की अहमियत निरंतर बढ़ती जा रही है संचार और तकनीक के प्रयोग ने भी इसके क्षेत्रों और आयामों को अत्यधिक विस्तार दे दिया है विज्ञापन को यदि परिभाषित करना चाहें तो विलियम एच एंट्रियम तथा यजेन और डियोन के शब्दों में कह सकते हैं विज्ञापन से अभिप्राय कहना यानी प्रचार करना अथवा बेचने के लिए कहने से है परंतु केवल इतने से विज्ञापन का अर्थ स्पष्ट नहीं होता यह कहना अधिक समीचीन होगा कि विज्ञापन किसी विचार सेवा या उत्पाद के विषय में इस तरह सूचना देता है जिससे कि उपभोक्ता किसी विज्ञापनकर्ता के निहित उद्देश्य के अनुसार कार्य करने को बाध्य हो जाए एडवर्टाइजिंग एज या फिर विज्ञापन वह व्यावसायिक बल है जिसे मुद्रित शब्दों के माध्यम से विक्रय करने अथवा उसकी साख या ख्याति बढ़ाने में सहायता मिलती है सेल्डन ने अपनी इस परिभाषा में विज्ञापन को व्यावसायिक बल कहकर उसे केवल क्रय विक्रय तक सीमित होने से बचाया है लेकिन उसे केवल मुद्रित शब्दों तक सीमित करके इसके दायरे से अन्य माध्यमों को बाहर कर दिया है जबकि तकनीकी विकास ने विज्ञापन के अनेक नए माध्यम ईजाद किए हैं इसके दायरे से रेडियो भी बाहर हो जाता है केनन तथा विचर ने लिखा है विज्ञापन में वे सभी दृश्य और मौखिक संदेश शामिल हैं जो पत्र पत्रिकाओं चित्रों पत्रों रेडियो तथा दूरदर्शन वाहनों एवं मार्ग पर लगे विज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं और जिनका उद्देश्य ग्राहकों के क्रय और आचरण को परिभाषित करना है संक्षेप में फ्रैंक प्रेप्सी के शब्दों में विज्ञापन मुद्रित लिखित उच्चरित या चित्रित विक्रय कला है ई लिटिल फील्ड तथा सी ए कीर्क पैट्रिक ने भी विज्ञापन को एक जन संप्रेषण मानते हुए उसे उपभोक्ता को राज़ी करने और लाभ कमाने का जरिया माना है विज्ञापन उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए राजी करने का जनसंप्रेषण है जिससे अधिकतम डॉलर का लाभ हो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी आर्थिक पक्ष को ही अधिक महत्वपूर्ण माना है विज्ञापन एक सुपरिचित माध्यम से अपने विचारों वस्तुओं की सेवाओं को अवैयक्तिक रूप से प्रस्तुत करने या आगे बढ़ाने का भुगतान किया हुआ प्रकार है वह इसमें केवल वस्तुओं या सेवाओं का प्रचार ही नहीं देखता बल्कि उसके बदले भुगतान को भी आवश्यक मानता है इन परिभाषाओं की कमी यह है कि इनमें विज्ञापन को एक सीमित दायरे में देखा गया है इनके लिए विज्ञापन का अर्थ केवल उत्पादों या सेवाओं की बिक्री द्वारा आर्थिक लाभ की प्राप्ति और उसके लिए आर्थिक भुगतान तक ही सीमित हैं लेकिन न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इस छोटे से दायरे को अस्वीकार करते हुए कहा गया है विज्ञापन संप्रेषण की एक विधा है जो उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने जनमत तैयार करने राजनीतिक समर्थन जुटाने या विशिष्ट उद्देश्य एवं आंदोलन को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाती है अर्थात विज्ञापन द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण सोद्देश्य होता है जैसे राजनीतिक लाभ अपने अनुकूल जनमत तैयार करना अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना, या अपने उत्पाद के प्रचार द्वारा उसके विक्रय में वृद्धि द्वारा लाभ कमाना इसकी पुष्टि एल्बर्ट फ्रे की इस मान्यता से भी होती है कि विज्ञापन का अर्थ व्यक्तियों को किसी वस्तु ब्रांड सेवा संस्था विचार या विचारधारा से परिचित कराने या उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दृश्य या शब्द संदेश लिखने और उसे प्रसारित करने से है वस्तुतः विज्ञापन का दायरा व्यापक है इसका उद्देश्य है अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखना जिससे लक्षित समूह की अपने अनुकूल राय बनाई जा सके यह राय किसी उत्पाद विचार आदर्श या सामाजिक राजनीतिक लक्ष्य के प्रति हो सकता है और इसके माध्यम भी वाचिक मुद्रित टीवी, इंटरनेट या अन्य हो सकते हैं ये माध्यम प्राय व्यावसायिक होते हैं इनके प्रसारण के बदले भुगतान किया जाता है विज्ञापन के उद्देश्य विज्ञापन की इन परिभाषाओं को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि विज्ञापन का पहला और अनिवार्य उद्देश्य है लाभ यह लाभ आर्थिक भी हो सकता है और जनमत निर्माण से सामाजिक राजनीतिक लाभ भी वस्तुतः इसका उद्देश्य है विज्ञापन द्वारा प्रस्तावित संदर्भ की ओर लक्षित समूह का ध्यान आकर्षित कर उसे अपने उद्देश्य के अनुकूल करना उसके विचार को प्रभावित करना इस प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं विज्ञप्तिकर्ता और लक्ष्य समूह विज्ञापन का उद्देश्य इन दोनों के बीच संबंध जोड़ना है यह संबंध विज्ञापन के संदेश को डी करने से स्थापित होता है एक अच्छे विज्ञापन की सफलता संदेश की डिलीवरी में होती है यह डिलीवरी ही विज्ञापन का वास्तविक उद्देश्य होती है जो कोड और डी की प्रक्रिया से होता है इस तरह लक्ष्य के आधार पर विज्ञापन के तीन उद्देश्य होते हैं सूचना देना प्रभावित करना और स्वीकृति बनाना विज्ञापन मूलतः एक संदेश या सूचना है जो विज्ञापन दाता द्वारा लक्षित समूह को दी जाती है इसमें विज्ञापन दाता केवल वस्तु या सेवा का मूल्य और उपलब्धता की ही सूचना नहीं देता बल्कि उसके साथ इसकी उपयोगिता और गुणवत्ता आदि की सूचनाएं भी देता है ये सूचनाएं उपभोक्ता को उक्त वस्तु या सेवा के बारे में राय बनाने में मदद करती हैं यह सूचना या कितने सटीक रूप से प्रसारित हुई इसी से लक्षित समूह की राय का निर्धारण होता है अतः सूचना और उसकी डिलीवरी का तरीका विज्ञापन में महत्वपूर्ण होता है सूचना कितने प्रभावी ढंग से दी जाए यह विज्ञापन की परिकल्पना का हिस्सा है खिलौनों की दुकान के सामने खड़ा एक जोकर और उसकी अजीबो गरीब हरकतें बच्चों को जितना आसानी से आकर्षित करेंगी उतना कोई और माध्यम नहीं इसी तरह टीवी स्क्रीन पर घुटनों के बल चलता हुआ बच्चा एक छोटे बच्चे को अधिक आकर्षित करेगा और बच्चा अपने माता पिता से संबंधित उत्पाद को ख़रीदने के लिए जिद करेगा इसी तरह टूथपेस्ट के प्रचार में डॉक्टर के परिधान में किसी मॉडल का प्रयोग और एक डेंटिस्ट के रूप में उसकी विज्ञापन करता ब्रांड के टूथपेस्ट के इस्तेमाल की उसकी सलाह किसी अन्य माध्यम से किए गए विज्ञापन से अधिक प्रभावी होगी लक्षित समूह इस टूथपेस्ट का प्रयोग करने के लिए प्रेरित होगा इसका अर्थ हुआ कि संदेश का तरीका प्रभावी था जो सही तरीके से डी भी हो गया विज्ञापन में इस प्रभाव कुशलता की भी जरूरत होती है संदेश और उसके माध्यम का उद्देश्य होता है स्वीकृति बनाना या लक्षित समूह को अपने उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार करना यह विज्ञापन का अंतिम और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कोई विज्ञापन अपने उद्देश्य में कितना सफल है इसका निर्धारण इसी बात से होता है कि वह लक्षित समूह के कितने लोगों को अपने अनुकूल कर लेता है और उन्हें विज्ञापनकर्ता के उद्देश्य से जोड़ पाता है एक सफल विज्ञापन श्रोता पाठक या दर्शक के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उसमें उत्पाद के प्रति रुचि या आकर्षण पैदा कर उसे स्वीकार्य बनाता है यह केवल व्यावसायिक संदर्भ तक सीमित नहीं बल्कि व्यावसायिक घेरे से बाहर भी होता है संदर्भ के अनुसार विज्ञापन के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं जैसे व्यावसायिक सामाजिक शैक्षिक राजनीतिक आदि व्यावसायिक दृष्टि से विज्ञापन का पहला उद्देश्य है आर्थिक लाभ अर्जित करना यह लाभ किसी एक उत्पाद या सेवा के लिए भी हो सकता है और पूरी उत्पादक इकाई को ब्रांड बनाने से भी इसमें बिक्री बढ़ाना और बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ाना दोनों उद्देश्य शामिल हैं बाजारीकरण के दौर में बाजार में एक ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित करना उत्पादकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है विविधता से भरे बाज़ार में अपनी एक अलग पहचान बनाना व्यापार की अनिवार्य शर्त हो गई है इसका प्रभाव स्थानीय टीवी चैनलों और सिटी रेडियो पर देखा जा सकता है स्थानीय उत्पादक और विक्रेता भी अपने प्रतिष्ठान को एक ब्रांड के रूप में पहचान दिलाने की होड़ में दिखाई देते हैं वर्तमान दौर में उत्पादक और व्यवसायी नित नए बाजार की तलाश में हैं। उत्पादकों और उत्पादों की बाजार में बढ़ती भीड़ ने एक प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है एक देश या क्षेत्र के बाजार तक सीमित रहना मुनाफे का काम नहीं है उसके लिए बाजार की विविधता और विस्तार आवश्यक है विज्ञापन नया बाज़ार तैयार करने में मदद करते हैं इसके द्वारा नए बाजार में पैठ बनाना आसान है संक्षेप में विज्ञापन का व्यावसायिक उद्देश्य है आर्थिक लाभ बाजार तलाशना बिक्री बढ़ाना या ब्रांड बनाना तो उसके छोटे छोटे, छोटे चरण भर हैं सामाजिक संदर्भ में विज्ञापन का उद्देश्य समाज को जागरूक करना या जनमत निर्माण करना है जैसे जहां सोच वहां शौचालय के द्वारा समाज को जागरूक कर स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए जनमत तैयार किया जा रहा है इसी तरह छोटा परिवार सुखी परिवार बेटी बचाओ दो बूंद जिंदगी की जागो ग्राहक जागो जैसे विज्ञापनों से समाज को जागरूक करने और संबंधित अभियानों के पक्ष में जनमत तैयार करने में सहायता मिलती है इनका उद्देश्य जनता को प्रेरित करना या शिक्षित करना है इन सरकारी विज्ञापनों के अतिरिक्त कुछ गैर सरकारी सामाजिक विज्ञापन भी हो सकते हैं जिसमें किसी कार्यक्रम के समय स्थान आदि का विवरण या सूचना दी जाती है विज्ञापन के राजनैतिक उद्देश्य का सीधा संबंध जनमत निर्माण से है विभिन्न संचार माध्यमों से भिन्न भिन्न राजनीतिक दल या उनके प्रतिनिधि अपनी बातों को विज्ञापन द्वारा जनता तक पहुंचाते हैं और उसके द्वारा अपने पक्ष में जनमत तैयार करते हैं उदाहरण के लिए राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है या सबका साथ सबका विकास जैसे नारे भीड़ के सामने हाथ लहराते हुए नेताओं के चित्र या चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशियों के पोस्टर आदि के द्वारा जनता को आकर्षित करने और अपने अनुकूल माहौल बनाने में सहूलियत मिलती है विज्ञापन की उपादेयता विज्ञापन की उपादेयता बहुआयामी है इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है यह हमारे आर्थिक और सामाजिक हितों को भी प्रभावित करती है उत्पादक या सेवा प्रदाता को लाभ विज्ञापन की उपादेयता का सीधा संबंध उसके उद्देश्य से है आज जबकि हम एक अर्थ प्रधान समय में जी रहे हैं तब हमारे आर्थिक हितों की सुरक्षा और उसका विस्तार एक बड़ा लक्ष्य है व्यवसायी वर्ग के लिए विज्ञापन इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करता है वह स्थापित बाजार में व्यवसाय की स्थिति को मजबूत कर उसकी उपस्थिति को प्रभावी भी बनाता है और नए बाजार क्षेत्र का विस्तार कर उसके व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है गुणवत्ता में वृद्धि विज्ञापन के द्वारा उत्पादक या सेवा प्रदाता को अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता की सूचना देनी होती है जिससे लक्षित समूह उससे प्रभावित होकर उसको खरीदने के लिए आकर्षित हो उत्पादक या सेवा प्रदाता को अपने उत्पाद में नयापन लाना उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करना और इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना आवश्यक होता है अतः उपभोक्ता को इस प्रक्रिया में निरंतर अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पाद या सेवा का लाभ मिलता है दूसरे विज्ञापन द्वारा बाजार में नए उत्पादों या सेवा प्रदाताओं की पैठ से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है इससे उपभोक्ता को कम मूल्य में अधिक गुणवत्ता युक्त सेवा या वस्तु उपलब्ध हो जाती है आर्थिक गतिशीलता और विकास एक उत्पादक का विज्ञापन दूसरे उत्पादक पर अपने उत्पाद को निरंतर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए दबाव बनाता अतः दूसरे उत्पादक या सेवा प्रदाता को इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है यह किसी देश की आर्थिक प्रगति और गतिशीलता का प्रमाण है क्योंकि इससे उपभोक्ता को हमेशा नया और अच्छा उत्पाद प्राप्त होता है साथ ही इस प्रक्रिया में रोजगार की संभावना का भी विकास होता है जो शोध से लेकर विपणन तक विभिन्न स्तरों पर जुड़े होते हैं कीमत में ह्रास विज्ञापन के संबंध में सामान्य धारणा है कि विज्ञापन की लागत से वस्तु की लागत में वृद्धि होती है और इसका प्रभाव मूल्य वृद्धि के रूप में सामने आता है लेकिन यह धारणा उचित नहीं है विज्ञापन के कारण उत्पाद की मांग बढ़ती है और उत्पादक को उत्पाद में वृद्धि करनी पड़ती है इससे सीमांत लागत में कमी आती है उत्पादन की लागत कम आने से उत्पाद कम कीमत में उपलब्ध होता है सामाजिक विकास यह आर्थिक विकास सामाजिक विकास को भी सकारात्मक गति देता है समाज में बेरोजगारी कम होती है इससे अपराध और अवसाद जैसी नकारात्मक वृत्तियों पर नियंत्रण होता है उत्पादन में वृद्धि और कीमत में कमी से वस्तुओं की सुलभता बढ़ती है उन्हें आसानी से क्रय किया जा सकता है अतः लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलती है इसलिए विज्ञापन का समाज पर सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है विज्ञापन के माध्यम विज्ञापन वाचिक लिखित और प्रदर्शन परक होते हैं इनका संबंध अलग अलग माध्यमों से होता है आइए देखते हैं कि यह किन किन माध्यमों से संबंधित है मुद्रित माध्यम मुद्रित माध्यम विज्ञापन का पुराना माध्यम है आधुनिक विज्ञापन की शुरुआत प्रिंट मीडिया से ही हुई इसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं पोस्टर आदि शामिल हैं समाचार पत्र समाचार पत्र प्रिंट मीडिया का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम है पाठकों तक इसकी पहुंच और विज्ञापन दाता के लिए सुगमता इसके गुण है इसमें कोई भी व्यक्ति निश्चित शब्द संख्या में अपना विज्ञापन दे सकता है बड़ी इकाइयां, जैकेट फुल पेज या हाफ पेज आदि विज्ञापन देती हैं वहीं छोटे उत्पादकों सेवा प्रदाताओं कार्यालयों फर्मों और व्यक्तियों के लिए वर्गीकृत विज्ञापन का पृष्ठ निर्धारित होता है इसमें खोया पाया नौकरी प्रॉपर्टी विवाह उत्पाद फर्म आदि के विज्ञापन शामिल होते हैं एक तरह के विज्ञापन प्राय एक कॉलम और दूसरे तरह के विज्ञापन दूसरे कॉलम में शामिल होते हैं इनमें शब्दों की सीमा प्राय निश्चित होती है इस तरह के विज्ञापन स्थानीय प्रकृति के होते हैं वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए कुछ पत्र स्वतंत्र संस्करण भी प्रकाशित करते हैं जैसे दैनिक जागरण का जोश और हिंदुस्तान का रोजगार संबंधी अंकों में नौकरी से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन में अत्यधिक लचीलापन होता है विज्ञापन देने वाला यह तय कर सकता है कि उसका विज्ञापन किस पृष्ठ पर और कितना बड़ा छापा जाए इसके एवज में उसे स्थान के आधार पर भुगतान करना पड़ता है पत्रिकाएं अखबारों की तुलना में पत्रिकाओं के संस्करण और प्रसार कम होते हैं इसलिए यह उतनी सुलभ और सहज प्रसार वाली नहीं है फिर भी यह अपेक्षाकृत सुलभ और सस्ता माध्यम है इसका इस्तेमाल मझोले उपभोक्ता भी आसानी से कर सकते हैं इनमें बहुत सी पत्रिकाएं महिलाओं से संबंधित हैं कुछ राजनीतिक और सामयिक घटनाओं पर केंद्रित कुछ साहित्यिक कुछ अकादमिक और कुछ आर्थिक हैं विज्ञापनदाता पाठकों के अनुसार आसानी से पत्रिका का चयन कर विज्ञापन दे सकता है जैसे सौंदर्य प्रशासन संबंधी विज्ञापन के लिए महिला केंद्रित पत्रिका अधिक उपयुक्त है अखबार और पत्रिकाओं के विज्ञापन दीर्घकालिक प्रभाव वाले होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की तरह समय की सीमा नहीं रहती इसलिए सबसे पुराना माध्यम होने के बावजूद प्रिंट माध्यम आज भी प्रासंगिक है रेडियो रेडियो श्रव्य माध्यम है इसमें ध्वनि लय और संगीत का विशेष महत्व है इनका प्रभाव श्रोता के मस्तिष्क पर अधिक स्थायी होता है वॉशिंग पाउडर निर्मा का प्रचार इसकी लोकप्रियता का उदाहरण है इस प्रचार ने निर्मा को इतना लोकप्रिय बनाया कि भारत के देहातों में निर्मा वॉशिंग पाउडर का पर्याय बन गया प्रसार की दृष्टि से यह समाचार पत्र और पत्रिकाओं से अधिक व्यापक है लेकिन दाता की सुलभता की दृष्टि से इसका दायरा सीमित है टेलीविजन टेलीविजन के आने के बाद विज्ञापन के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव आए इसने छवि ध्वनि और संगीत का ऐसा मिला जुला प्रभाव पैदा किया कि विज्ञापन की दुनिया ही बदल गई भारत में विज्ञापन का इकतालीस प्रतिशत टेलीविजन के माध्यम पर खर्च होता है इसमें अद्भुत प्रभाव क्षमता है यह कभी कभी सम्मोहन की हद तक आकर्षक होता है जैसे चॉकलेट का विज्ञापन देखकर किसी बच्चे का ललचाना या किसी गाड़ी का विज्ञापन देखकर उसे खरीदने की इच्छा जागना आदि लेकिन यह महंगा और खर्चीला माध्यम है इंटरनेट संचार माध्यम के रूप में इंटरनेट एक उभरता हुआ क्षेत्र है भारत में इसका प्रयोग अभी सीमित है लेकिन विज्ञापन के लिए इसके प्रयोग में तेजी आई है नेट आधारित विज्ञापन के कई रूप हैं जैसे व्हाट्सएप फेसबुक आदि सामाजिक नेटवर्किंग साइटों पर सूचनाओं का प्रसार एक सीमित समूह में विज्ञापन का अच्छा माध्यम हो सकता है लेकिन इसके विस्तृत रूप के लिए विभिन्न वेबसाइटों को उसे चलाने वालों से संपर्क कर अपनी सूचना का लिंक डालना होगा जो किसी चित्र वीडियो या लिखित रूप में हो सकती है इस तरह के विज्ञापनों की सुविधा यह है कि हर वेबसाइट का एक खास लक्षित समूह होता है और इसलिए विज्ञापन दाता को अपने लक्षित समूह को ध्यान में रखकर वेबसाइट का चयन करना होता है इधर ऑनलाइन शॉपिंग साइटों ने विज्ञापन बाजार को एक नए तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया है विज्ञापन के प्रकार लक्षित वर्ग के अनुरूप विज्ञापनों में विविधता होती है इसीलिए विज्ञापन कई तरह के होते हैं लक्ष्य के आधार पर विज्ञापन का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अथवा स्थानीय प्रकृति का होगा अतः विज्ञापन के प्रभाव क्षेत्र के आधार पर इसके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और स्थानीय रूप माने जा सकते हैं वाणिज्यिक विज्ञापन विज्ञापन मुख्यतः और सर्वाधिक संख्या में व्यावसायिक होते हैं इनके द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में सूचना या संदेश दिया जाता है कोई उत्पादक या सेवा प्रदाता विज्ञापनों द्वारा किसी लक्ष्य समूह तक अपने उत्पाद या सेवा के संबंध में सूचना पहुंचाता है उसका माध्यम उसके विवादों को प्रभावित करता है उस समूह में अपने उत्पाद के लिए स्वीकृति बनाता है और नया बाजार तैयार करता है या बाज़ार में अपनी स्थिति मजबूत करता है इस तरह के विज्ञापन व्यावसायिक विज्ञापन कहे जाते हैं इन विज्ञापनों के एवज में उत्पादक या सेवा प्रदाता को विज्ञापन एजेंसी समाचार पत्र पत्रिका दूरदर्शन चैनल अथवा इंटरनेट और वेबसाइट के संचालक को भुगतान करना होता है अतः यह पूरी प्रक्रिया व्यावसायिक होती है वित्तीय विज्ञापन वित्तीय विज्ञापन का अर्थ है वित्तीय लेन देन संबंधी विज्ञापन इन विज्ञापनों के प्रकाशन का उद्देश्य कंपनियों द्वारा अपने वित्तीय व्यवहार की सूचना देना होता है इस तरह के विज्ञापनों की संख्या पिछले दशक में तेजी से बढ़ी है देश के कुल विज्ञापनों में वित्तीय विज्ञापनों का प्रतिशत लगभग दस के आसपास है इन विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं से धन जुटाया जाता है शेयर म्यूचुअल फंड बाउंड पेपर आदि के विज्ञापनों की गणना वित्तीय विज्ञापन के रूप में होती है ये विज्ञापन कंपनियां वित्तीय संस्थाएं और औद्योगिक इकाइयां समय समय पर सूचनाएं जारी करती रहती हैं ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके या अपने निवेशकों का विश्वास अर्जित किया जा सके निफ्टी और सेंसेक्स के शेयर उछाल की सूचनाएं भी इसी तरह के विज्ञापनों के अंतर्गत आती हैं सामाजिक विज्ञापन इस तरह के विज्ञापन और व्यावसायिक विज्ञापन होते हैं इनका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता फैलाना होता है ये विज्ञापन सरकारी संस्था या सामाजिक संस्था द्वारा भी दिए जा सकते हैं और किसी व्यक्ति द्वारा भी ऐसे विज्ञापनों में कभी कभी एक खास वर्ग को लक्ष्य बनाया जाता है उदाहरण के लिए पोलियो उन्मूलन के विज्ञापन का लक्ष्य वे लोग हैं जिनके घरों में या आसपास छोटे बच्चे हैं लेकिन अधिकांशतः इसका लक्ष्य पूरा समाज होता है जैसे स्वच्छता अभियान इसका लक्ष्य भारत का प्रत्येक नागरिक है या किसी खास लक्ष्य समूह के लिए नहीं है इस तरह के विज्ञापनों का प्रकाशन सामान्यतः सरकारों द्वारा जनहित में जागरूकता लाने के लिए कराया जाता है सांस्थानिक विज्ञापन सांस्थानिक विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ संस्थाओं का विज्ञापन है इस तरह के विज्ञापन संस्थाएं अपनी सेवाओं आदि की सूचना देने के लिए करती हैं ये संस्थाएं सरकारी या गैर सरकारी दोनों हो सकती हैं इस तरह के विज्ञापनों का प्रयोग अपनी संस्था के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है वर्तमान में शिक्षा जगत के निजी संस्थानों के विज्ञापन इसके अच्छे उदाहरण हैं। इन विज्ञापनों में अपनी संस्था के भवन से लेकर सुविधाओं संकाय सदस्यों कार्यक्रमों और प्लेसमेंट तक की सूचनाएं दी जाती हैं इस तरह के विज्ञापन सांस्थानिक विज्ञापन होते हैं इसके अतिरिक्त प्रवेश एवं रोजगार संबंधी सूचनाएं आदि भी संस्थानिक विज्ञापनों का हिस्सा हैं। इस तरह के विज्ञापनों का उद्देश्य अपनी संस्था को आगे बढ़ाना और उसे प्रतिस्पर्धा में लाना होता है बाह्य विज्ञापन हमारा दौर फ्यूजन का दौर है तकनीकी विकास ने इस फ्यूजन की नई नई संभावनाएं उपस्थित की हैं मुद्रित माध्यम के पोस्टर और होर्डिंग ही सामान्य रूप से बाह्य विज्ञापन कहे जाते हैं ये बाह्य विज्ञापन पहले प्रिंट मीडिया के ही हिस्से थे लेकिन तकनीकी विकास ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फ्यूजन से इसे एक नई पहचान दे दी है पहले जहां दीवानों बिजली के खंभों आदि पर लगे पोस्टर और होर्डिंग विज्ञापन के माध्यम थे आज उनकी जगह स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड ने ले ली है इन पर आंकड़ों और सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है अपने व्यवहार में ये बहुत कुछ दूरदर्शन की स्क्रीन की तरह होते हैं लेकिन इनमें केवल लिखित और चित्रित रूप में सूचनाओं का प्रदर्शन होता है बाह्य विज्ञापनों को संक्षेप में ऊह ओ ओ एच कहते हैं जिसका पूरा नाम आउट ऑफ होम है सारांश विज्ञापन एक तरह की सूचना या संदेश होता है जिसके द्वारा उत्पादक या सेवा प्रदाता लक्षित समूह के विचारों को अपने अनुकूल परिवर्तित कर उनमें अपने उत्पाद या सेवा के लिए स्वीकार्यता बनाता है सूचना देना प्रभावित करना और स्वीकृति बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है विज्ञापन उत्पादक या सेवा प्रदाता के लिए बाजार तैयार करता है या फिर बाजार में उसकी स्थिति मजबूत करता है यही नहीं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर या उपभोक्ता के हित में उत्पादों के मूल्य को नियंत्रित करता है और उसे सही जानकारी देकर उत्पादों के चुनाव में मदद करता है मुद्रित माध्यम विज्ञापन का पुराना माध्यम है लेकिन वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ई मीडिया इसके तेजी से विकसित होते माध्यम है विज्ञापन व्यावसायिक और अव्यावसायिक दोनों तरह के होते हैं इन्हें हम वाणिज्यिक वित्तीय सामाजिक और सांस्थानिक विज्ञापनों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं इस प्रकरण में आज हमने जिन बिंदुओं पर विचार किया वे हैं विज्ञापन की भाषा उद्देश्य और उपादेयता, विज्ञापन के माध्यम यानी समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो टेलीविजन इंटरनेट विज्ञापन के प्रकार वाणिज्यिक सामाजिक सांस्थानिक एवं वित्तीय विज्ञापन के बाह्य माध्यम अब हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं आपके प्रश्न और सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं नमस्कार